अब खबर सिरोही के माउंट आबू से है जहां अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ माउंट आबू के मानसरोवर में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने प्रशिक्षण शिविर का विधिवत शुभारंभ किया शिविर के पहले सत्र में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को सेवा दल के बारे में आवश्यक जानकारी दी तो वही सेवा दल के सेनानियों के उल्लेखनीय कार्यो से कार्यकर्ताओं को रूबरू भी करवाया आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में तीन दिन तक भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा चुनाव प्रबंधन को लेकर चर्चा होगी इस दौरान संवाददाता अशोक कुमावत ने सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई से खास बातचीत की कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आबू रोड के मानसरोवर में शुरू हो चुका है ध्वज वंदन से इस कार्यक्रम का आगाज हो गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई यहां पहुंच गए हैं लालजी भाई से जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में तीन दिन तक क्या चलेगा और क्या क्या मंथन रहेगा सर जी नमस्ते सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मैं वंदे मातरम और जय हिंद कहूँगा और उसी के साथ सेवादल की जैसे परंपरा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम तिरंगा झंडा लहराते रह हैं और राष्ट्रगान गाते हैं वो अलग बात है क्या देश में आज कोई राष्ट्र भक्ति का मुखोटा पहनकर निकलने वाले ना तिरंगा फहराते रह हैं ना राष्ट्रगान गाते हैं मैं उनकी चर्चा में नहीं पढ़ना चाहूँगा पर हमारा कार्यक्रम की शुरुआत आपने देखा कि पूरे अनुशासन के साथ सेवादल के लोग यहाँ तीन दिन में हम लोग जो बैठ कर चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि देश का जो आज का माहौल है वो माहौल ऐसा है कि कहीं कोई हिंदू के नाम पर कहीं कोई मुसलमान के नाम पर कोई जाति के नाम पर कोई धर्म के नाम पर कोई प्रदेश या कोई भाषा के नाम पे हमारे देश के अंदर एक जहर डाल रहा है लोगों को बांट रहा है तो वो उनका काम बांटने का है हम लोग कहते हैं कि अगर वो बांटेंगे तो किसी को जोड़ने का काम करना चाहिए हमारा काम जोड़ने का है तो हम ये भारत जोड़ो यात्रा सैंतीस किलोमीटर की जो निकलने वाली है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की और सेवा दल और कांग्रेस पार्टी लगातार नारा भी कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी इस भारत माता को हम टुकड़ों में नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए इस भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें सेवा दल के साथियों की क्या भूमिका होगी राहुल जी महत्तम समय चलने वाले हैं तो साथ में बदल के चलने वाले साथी कौन होंगे व्यवस्थाओं में साथी कौन होंगे तो भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए सेवा दल का एक अहम भूमिका है उसकी तैयारी है क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ही राजस्थान की भूमि से हम जब निकले थे आप लोगों ने देखा भी है कि बारह किलोमीटर की तप तपाती धूप में जो हमारी सेवा दल की आज़ादी गौरव यात्रा थी वो सफल यात्रा रही लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो देश भर में पदयात्राओं का एक दौर चल रहा है नौ अगस्त से लेकर पंद्रह अगस्त तक देश के हर जिले में आज़ादी गौरव यात्रा निकलने वाली है उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा तो एक तरीके से धरातल पे जो यात्राएं चलने वाली उसमें सेवा दल का क्या भूमिका सेवा दल निन्यानवे साल पूरा करने जा रहा है और सौवें सालवे में हम बहुत जल्दी प्रवेश करने वाले हैं तो वही सौवें साल में भारत भर में हम भारत की जो आज़ादी के मायने थे उसी को लेकर और देश के आज़ादी के जंग में लड़ने वाले हम कहते हैं कि पहले लड़े थे गौरव से अब लड़ेंगे चोरों से तो ये जो चोर मानसिकता है उससे लड़ने की हमारी भूमिका क्या हो सकती है हम डंडा लेकर तो नहीं निकल सकते हम तो झंडा लेकर निकलते हैं आ, ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष दल के लालजी भाई जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या क्या मंथन रहेगा क्या जान कार्यक्रम में रहेगा सहयोगी वसीम के साथ अशोक कुमावत सिरोही